नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन खंड खंड हो गया है। महागठबंधन के नेता आपस में लड़ रहे हैं, एनडीए एकजुट है। बिहार की महान जनता इस आगामी उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवारों को रिकॉर्ड मतों से विजय बनाएगी। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। इस उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार की एक तरफा जीत होगी। वहीं लालू प्रसाद यादव के पटना आने पर कहा कि उनके उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, वह पटना आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उतरवा देना, उतरवा देना, यही उतरवाऊंगा। लालू यादव कल पटना आए हैं। सर क्या कुछ है? पटना आए हैं, बिहार में दो विधानसभा का उपचुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान का है। हमारे एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार है और 2 तारीख का रिजल्ट होगा, 30 को चुनाव है। इसी क्रम में हम लोग आए हैं, शुरू से एक सप्ताह से पूरे एनडीए गठबंधन के जितने हमारे पार्टनर्स हैं सब लोग चुनाव मैदान में हैं और दोनों सीट हम काफ़ी बहुमत से जीते। चुनौती कितनी है सर राजद और कांग्रेस से? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। राजद कांग्रेस सब समाप्त हो गया जी, खंड खंड करके टूट टूट के अलग अलग हो गया। लालू यादव कल पटना आ रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे सर? लालू जी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, क्यों नहीं आवे? जरूरत जरूर आना चाहिए। चिराग पासवान ने आप पे एफआईआर दर्ज कराए, किसको ने फायदा किया? आपके ऊपर सर। काहे काहे के लिए जी? उनके करीबी हैं सौरभ पांडे, उन्होंने पत्र लिखा। सौरभ पांडे हैं, उन्होंने पत्र लिखा है जी। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।